हाय गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज मनोज सर, और इस वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज का पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. और पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स को पढ़ा था. उसको समझने के बाद अगर आप ये प्रॉब्लम को बनाओगे, आपको बहुत ही ज़्यादा इजी महसूस होगा. उसका लिंक जो है आपको आई बटन मिल जाएगा, आपको ऊपर में यहाँ कुछ दिखता होगा, और दूसरा आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में आपको मिल जाएगा. तो टोटल हम लोग फोरियर सीरीज में बेसिकली हम लोग ये पांच प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. ये पांचों प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये पांच प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो आपको आगे जो है कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पूछेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, आप इजी बना सकते हो. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? माइनस पाई से लेके पाई तक का है. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो देखो, हमारा प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं. प्रॉब्लम क्या पूछा है? प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई थ्री प्लस फोर इंटू समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, माइनस वन पावर एन कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर. लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक दिया आपको, माइनस पाई से लेके पाई तक का दिया हुआ है. तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, बी हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी. तो बी माइनस ए अपना क्या होगा यहाँ पे, टू पाई हो जाएगा. तो बेसिकली हमको जो फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स, हमको क्या दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है. और हमको यहाँ बोला है कि फोरियर सीरीज में हम जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, फाइनली ये रिजल्ट मिलेगा. उसके बाद जो है हमको ये तीन रिजल्ट्स को भी अचीव करना पड़ेगा. दैट इज शो दैट समेशन ऑफ वन अपॉन में एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन में वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इक्वल्स टू क्या होगा, देखो यहाँ पे पाई स्क्वायर अपॉन में सिक्स. वैसे सेकंड देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन में थ्री स्क्वायर माइनस वन अपॉन में फोर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन में ट्वेल्व. वैसे देखो हमको थर्ड रिजल्ट क्या बोला है निकालने के लिए यहाँ पे, दैट इज समेशन ऑफ वन अपॉन में टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन में वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन में थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन में फाइव स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन में एट. तो बेसिकली क्या है, हमको पहले इस चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा. इसको हम प्रूफ करेंगे, उसके बाद इस रिजल्ट को अचीव करने के बाद जाके हम क्या करेंगे, इन तीनों को अपन यहाँ पे कोशिश करेंगे निकालने के लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. सोल्यूशन देखते हैं अब इसका. यहाँ पे जो हमको फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टू पाई हो जाएगी. बिकॉज यहाँ पे क्या बोला आपको, माइनस पाई से कहाँ तक दिया आपको, यहाँ पे पाई दिया हुआ है. तो ये वाली वैल्यू आपकी ए बी हो जाएगी, और ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी. बी माइनस ए विल गिव मी पाई माइनस ऑफ माइनस पाई, दैट इज टू पाई. तो यहाँ पे हमारा जो फोरियर सीरीज बनता है एफ ऑफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में टू प्लस समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस एन एक्स प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी एन इंटू साइन एन एक्स. हम इस फॉर्मुले को यूज क्यों किए हैं, बिकॉज यहाँ पे अपना लिमिट क्या है, माइनस पाई से पाई है, दैट इज बी माइनस इक्वल्स टू टू पाई. आपने अगर पिछले वाले वीडियो में देखा होगा तो वहां पे बताया था जब टू पाई आएगा अपना बी माइनस ए की वैल्यू, तब तो मुझे इस रिजल्ट को डायरेक्टली अप्लाई करना है. इस रिजल्ट को अप्लाई करने के बाद हमको निकालना क्या पड़ेगा, फिर बताओ, ए नॉट ए एन और बी एन निकालना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हमारा ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन में पाई इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इन टू डी एक्स. तो यहाँ पे वन अपॉन पाई एज इट इज आएगा, लिमिट गोस फ्रॉम ए टू बी दैट इज माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स अपना क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, फिर डी एक्स. सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आई डोंट फील कि आपको इसको सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी होगा. फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं इसको. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एक्स क्यूब अपॉन में थ्री हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस थ्री को बाहर निकालेंगे, दैट इज वन अपॉन में थ्री पाई. लिमिट कहाँ से कहाँ देखो तो माइनस पाई से पाई है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट जब यहाँ पे रिप्लेस करेगा दैट विल बिकम पाई क्यूब. फिर लोअर लिमिट जब यहाँ पे आएगा दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पाई आएगा, तो पाई क्यूब माइनस ऑफ माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा. तो हमें पता है क्यूब है तो यहाँ पे नेगेटिव फिर बाहर आएगा, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. अगर ये आपका इवन होता तो क्या होता है, ये पॉजिटिव हो चुका होता तो ये नेगेटिव नेगेटिव ही रहता. अब चूंकि यहाँ पे क्या दिया आपको, और पावर दिया है, तो क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव बाहर निकलेगा तो नेगेटिव नेगेटिव अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो पाई क्यूब प्लस पाई क्यूब विल बिकम टू पाई क्यूब, और नीचे अपना क्या है, थ्री पाई है, तो एक पाई जो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे, पाई स्क्वायर टू पाई स्क्वायर अपॉन में थ्री, दैट इज हमको देखो फाइनली क्या मिला, ए नॉट इक्वल्स टू टू पाई स्क्वायर अपॉन में थ्री. आई डोंट फील कि आपको यहां तक कोई भी डिफिकल्टी महसूस हुआ होगा. नाउ विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ए एन. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज ए एन. ए एन की देखो जो फॉर्मूला होगा, जब बी माइनस ए इक्वल्स टू टू पाई है,
तो उस केस में क्या होता है, एन की वैल्यू दैट इज वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पे हमको ए और बी क्या दिया बताओ, माइनस पाई और पाई दिया हुआ है। ओके, लिमिट दैट इज माइनस पाई टू पाई दिया हुआ है, और एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग चेन रूल। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक स्पेशल है। ओके, चेन रूल अपन उसको यूज करेंगे यहाँ पे, इसको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपने पता होगा ये अपना क्या फर्स्ट फंक्शन है, अपने ये क्या होगा सेकंड फंक्शन होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कैसे करना है आपको ध्यान से समझना अच्छे से। ओके, समझ लो कि ये इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, तो फोकस करो यहाँ पे, देखो क्या लिखा पे, ये वन अपन पाई एज इट इज हो जाएगा, ये अपना फर्स्ट फंक्शन है, इसको एज इट इज रख दिया। सेकंड फंक्शन में क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन। ओके, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड टर्म जो होगा क्या होगा अपना, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर थर्ड टर्म क्या होगा अपना पॉजिटिव, फिर फोर्थ टर्म अपना क्या नेगेटिव होगा, ये चेन रूल का फॉर्मूला है। ओके, अच्छा अब करना क्या है, सेकंड में अपना क्या टर्म नेगेटिव हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बिकम टू एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स अपॉन एन क्या होगा अपना, ये माइनस ऑफ कॉस एन एक्स अपॉन में एन, और यहाँ का एन क्या होगा यहाँ पे अपना एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड टर्म अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन दैट इज टू। ओके, इसका इंटीग्रेशन दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव एज इट इज रहने दो, कॉस एन एक्स विल बिकम साइन एन एक्स अपॉन एन, यहाँ पे एन स्क्वायर था तो यहाँ पे एन इंटू एन स्क्वायर दैट विल बिकम एन क्यूब, लिमिट गोज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। ओके, ठीक है, अब इस स्टेप पे देखो हम क्या करने वाले हैं, कुछ नया चीज नहीं रहेगा, सिंपली ब्रैकेट को ओपन करना, जैसे यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इस स्टेप में इस स्टेप में कुछ नया चीज नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट को पुटअप करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम जब अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, तो दिस विल बिकम पाई स्क्वायर साइन एन पाई अपॉन में एन। ओके, अब लोअर लिमिट पुट करो इन प्लेस ऑफ एक्स, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस अपर लिमिट पॉजिटिव तो लोअर लिमिट नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे अपना क्या होगा, माइनस पाई का होल स्क्वायर दिस साइन एन एक्स विल बिकम माइनस पाई अपॉन में एन। ओके, तो ये दो चीज यहाँ पे सॉल्व हो चुका है इसका। ओके, अब सेकंड वाला टर्म आता है, दैट इज टू एक्स कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले हम क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। ओके, अपर लिमिट क्या होगा, देखो यहाँ पे टू पाई कॉस एन पाई ओके अपॉन में एन स्क्वायर, वैसे यहाँ पे लोअर लिमिट पुट कर लो, तो यहाँ पे अपर लिमिट पॉजिटिव है तो लोअर लिमिट अपना क्या नेगेटिव हो जाएगा, देखो अपर लिमिट पॉजिटिव है तो लोअर लिमिट अपना क्या नेगेटिव हो जाएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं, एक्स की जगह देखो हम क्या पुट करेंगे, मतलब माइनस पाई पुट करेंगे, किस बताओ तो लोअर लिमिट में, तो दिस इज टू, दिस इज माइनस पाई, दिस इज कॉस एन माइनस पाई अपॉन में एन स्क्वायर। ओके, इन द सेम वे देखो थर्ड टर्म अपना क्या नेगेटिव है। ओके, तो अपर लिमिट अगर नेगेटिव है तो लोअर लिमिट अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, आई बात समझ में, अपर लिमिट अगर नेगेटिव है तो लोअर लिमिट अपना क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फाइन, तो इसको देखते हैं कैसे इसको अपन लिमिट पुट किए, जहां जहां एक्स वहां पर हम पहले पुट करेंगे पाई पुट करेंगे फॉर द अपर लिमिट, तो टू साइन एन पाई अपॉन एन क्यूब, फिर पॉजिटिव टू अपॉन में एन क्यूब एज इट इज हो जाएगा साइन एन माइनस पाई, साइन एन माइनस पाई। फाइन, ओके, अब आपने अगर पहला वाला वीडियो देखा होगा मेरा, ओके, फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस फोरियर सीरीज, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे आई बटन मिल जाएगा, फिर आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाएंगे, तो अगर आप देखेंगे तो प्लीज़ वीडियो देखो, क्योंकि वहाँ पे मैं बताया हमें, दैट इज़ देखो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं, दैट इज साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और कॉस ऑफ एन पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन पावर एन होता है। ओके, उस चीज़ को वहाँ पर मैंने यहाँ पे प्रूफ करके बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वहाँ पे ये वाला टर्म का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो साइन एन ऑफ माइनस पाई लिखा हुआ है, तो हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा अपना क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा फाइनली साइन एन पाई हो जाएगा, तो साइन एन पाई की वैल्यू क्या होगा हमेशा हमें यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ओके, इन द सेम वे ये भी क्या होगा, देखो आपका जीरो हो जाएगा, और ये भी क्या होगा आपको यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास कौन से दो टर्म बचेंगे, ये दो टर्म बचेंगे। ओके, तो एक ही करके उसको लिखते हैं अच्छे से। ओके, तो दिस इज टू पाई कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव बाहर जाएगा तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, एंड वी नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा अपना क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये इस नेगेटिव का कोई भी प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ओके, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी टू पाई कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर। अब देखो दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो वी कैन री राइट दिस एज कॉस ऑफ सॉरी 4 पाई कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आपस में, तो वहाँ पास देखो क्या बचेगा, 4 ओके कॉस एन पाई क्या होता है, माइनस वन पावर एन होता है। ओके, इसको भी मैं वहाँ पे बताया था कैसे आता है करके। ओके,
तो यहाँ पे क्या होगा, 4 n^-1 n^n2। तो फाइनली मुझे जो ए एन की वैल्यू मिले दैट इज 4 n^-1 n^2। ओके ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, बी एन निकालेंगे। ओके ओके अब हम क्या करेंगे, बी एन निकालेंगे। ओके तो बी एन क्या होता है फॉर्मूला, जब बी माइनस इक्वल्स टू 2 पाई होता है दैट इज 1/π इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ओके ठीक है, अब हमें पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, यहाँ पे x² है और ए टू बी क्या अपना यहाँ पे -π से π है। ओके तो यहाँ पे हम क्या किए, 1/π इंटीग्रेशन π - π टू π x² साइन एन एक्स डी एक्स। ओके ठीक है, अब हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, साइन रूल सॉरी चेन रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, टेकिंग दिस एज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एज सेकंड फंक्शन। तो क्या होगा, ये एज इट इज आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, सेकंड फंक्शन क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमें पता है साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos(nx/n)। ओके अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव तो सेकंड टर्म क्या नेगेटिव, फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव फोर्थ टर्म नेगेटिव। ओके ठीक है, तो यहाँ जो लिखा हुआ है x² इसको क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे और यहाँ पे जो पार्ट है उसको अपन इंटीग्रेशन करेंगे। ओके तो x² का जो डिफ्रेंशिएशन दैट इज 2x। ओके माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या अपना सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या होगा नेगेटिव होगा। ओके तो दिस इज x² और यहाँ पे देखो नेगेटिव तो नेगेटिव एज इट इज रहने दो। कॉस एन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, यहाँ पे साइन एन एक्स अपॉन में एन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक एन था तो क्या होगा, एन एन टू एन दैट इज n². ओके ठीक है, अब थर्ड टर्म क्या अपना पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या 2 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन दैट इज -sin(nx)। ओके साइन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। ओके तो माइनस माइनस का अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा। ओके और एक नीचे एन आएगा तो यहाँ का नीचे एक एन और यहाँ का n² अपना क्या होगा, यहाँ पे n³ हो जाएगा। ओके नेगेटिव था, नेगेटिव यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे साइन का क्या जो इंटीग्रेशन क्या होगा अपना नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव अपना क्या पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या है, एक नीचे एन आएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी n² था तो यहाँ पे अपना क्या होगा, n³ हो जाएगा। लिमिट गोज फ्रॉम -π टू +π। ओके ठीक है, अब अगले केस में देखो, हम अगले स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, सिंपली ब्रैकेट्स को अपन ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो ये एज इट इज पॉजिटिव ही रहेगा, नो चेंजेस। ओके अब अगले स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिमिट आपको यहाँ पे दिया हुआ दैट इज -π टू π दिया हुआ है, उसको अब यहाँ पे पुट अप करेंगे एक एक करके। ओके तो एक एक करके आप यहाँ पे पुट करते हैं। ओके ठीक है, तो देखो पहले हम कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, यहाँ पे पाई को पुट करेंगे। तो फर्स्ट हम देखो अपना क्या नेगेटिव हो जाएगा, कि यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन दिया हुआ, तो एक्स के हम क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे। तो दिस इज -π² × cos(nπ/n)। वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म अगर अपना, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा अपर लिमिट अपना नेगेटिव, तो अपना लोअर लिमिट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके तो यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव -π। ओके अपना लोअर लिमिट क्या, -π है, तो यहाँ पे -π रखो, दैट इज -π² × cos(n)-π/n हो जाएगा यहाँ पे। ओके तो इस चीज के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट अपन यहाँ पे ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड टर्म दैट इज 2x sin(nx/n)². यहाँ पहले पाई पुट करो, अपर लिमिट दैट इज 2π sin(nπ/n)². ओके फिर हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे दैट इज -2। ओके -2 एस एक्स देखो हम क्या पुट करेंगे, -π पुट करेंगे दैट इज -π sin(n)-π/n)² ये अपना हो गया। थर्ड टर्म में आ जाओ, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पॉजिटिव है तो अपर लिमिट पॉजिटिव, तो लोअर लिमिट अपना क्या नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी cos(2cos)(nπ/n³ माइनस लोअर लिमिट दैट इज 2cos(n)-π/n³। ओके ठीक है, अब हमें पता है कि साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो क्या होगा देखो, फाइनली ये वाला टर्म अपना क्या होगा, 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म अपना क्या होगा, 0 हो जाएगा। फाइन तो वहाँ पर हमारे पास जो कौन से टर्म्स बचेंगे, 1 2 3 4। अब करना क्या बताओ, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए उसको ओपन कर लो, तो दिस इज ये एज इट इज आएगा दैट इज -π² cos(nπ/n)। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर दिया हुआ तो ये भी अपना क्या पॉजिटिव ही रहेगा, दैट इज अच्छा कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके दैट इज प्लस एज इट इज आएगा, दिस इज अगेन π², ये अपना क्या cos(nπ) हो जाएगा, नीचे अपना क्या आएगा, एन आ जाएगा। ओके वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, और यहाँ पे देखो क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा होता, तो यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, नेगेटिव नेगेटिव एज इट इज आएगा, 2cos(nπ/n³। ओके अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो क्या होगा, सब जो जितने टर्म्स है क्या होगा, आपस में ये कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास जो क्या बचेगा आखिरी में, bn=0 हो जाएगा। ओके bn=0 हो जाएगा, तो हमें जो इक्वेशन 1 था दैट इज फोरियर सीरीज था, x² क्या हो जाएगा, ये π² / 3
प्लस फोर टाइम्स ओके। देखो हमारे पास जो ए एन की वैल्यू थी वो क्या थी, भाई एक बार चेक कर लो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोरियर सीरीज थे एक्सिस स्क्वायर क्या थे, वहाँ पे एक एक्सिस स्क्वायर इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी एन इंटू साइन एन एक्स। तो ये वाला टर्म अपना क्या हुआ, जीरो हो गया। तो ये अपना टर्म क्या होगा, वैनिश हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, ये दो टर्म बचेंगे। तो हमारे पास ए नॉट और ए एन की वैल्यू ऑलरेडी है ओके। तो उसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे ओके। तो यहाँ पे देखो ए नॉट की वैल्यू क्या है अपने पास, टू पाई स्क्वायर अपॉन में थ्री ओके। तो यहाँ पे ए नॉट अपॉन में टू था, तो नीचे का टू और यहाँ का टू क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई स्क्वायर अपॉन में थ्री बचेगा। वैसे यहाँ पे क्या था, समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक फोर क्या कॉन्स्टेंट है कि नहीं, तो उसको बाहर लिख दिया और ये जो बाकी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे एज इट इज लिख दिए ओके। और यहाँ पे क्या था साथ में अपने पास, ए एन इंटू कॉस एन एक्स था ओके। तो ए नॉट की वैल्यू जो है यहाँ पे उसको अपन यहाँ पे एज इट इज लिख दिए और जो कॉस एन एक्स है उसको अपन यहाँ पे रख दिए। तो दिस इज माई क्या, ये हमको जो है क्वेश्चन पूछा था। अब चाहो तो यहाँ पे एक दो स्टेप और भी यहाँ पे दिखा सकते हो, बिकॉज आगे के जो प्रूफ है उसको निकालने के लिए हमको जो है ये रिजल्ट चाहिए रहेगा ओके। दैट इज यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन की कुछ वैल्यू पुटअप करेंगे, जैसे एन इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर ओके। फिर जो रिजल्ट मुझे मिलेगा उसको हम क्या करेंगे आगे के प्रूफ को सॉल्व करने में उसको अपने यहाँ पे यूज मिलेंगे ओके। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या रहेगा, पाई स्क्वायर अपॉन में थ्री, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन में थ्री एज इट इज हो गया, प्लस फोर टाइम्स यहाँ पे हम क्या करेंगे एन की वैल्यू को वन पुट अप करेंगे। तो वन पुट अप करने से देखो क्या होगा, यहाँ पे माइनस वन पावर में वन नीचे क्या आएगा, वन स्क्वायर हो जाएगा और ये अपना क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स ओके। अब एन की वैल्यू को टू पुट करो तो ये अपना क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या टू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, कॉस टू एक्स हो जाएगा। वैसे हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू थ्री पुट करो तो ये क्या नेगेटिव हो जाएगा, वन अपॉन में थ्री स्क्वायर एन स्क्वायर है तो एन के लिए क्या थ्री है, तो थ्री का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा, कॉस थ्री एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो इसको मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर टू मान लूंगा, जिसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे प्रूफ को निकालने के लिए ओके। ओके नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने अभी इक्वेशन नंबर टू में देखा था, जो इक्वेशन नंबर टू था उसमें क्या करेंगे, एक्स की कुछ वैल्यूज को पुट अप करेंगे सो दैट आई विल गेट दिस रिजल्ट ओके। अब इस रिजल्ट को अगर आपको अचीव करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्स की कौन से वैल्यू पे ही मुझे ये रिजल्ट मिलेगा ओके। अगर आपको ये याद नहीं है कि एक्स की वैल्यू पाई डालने पे मुझे ये वाला वैल्यू मिलेगी या फिर एक्स की वैल्यू को जीरो डालने पे मुझे ये वाला वैल्यू मिलेगा ओके, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो ओके। जो सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसको याद रखने का एक ही टेक्निक है, आप प्रैक्टिस करिए अगर आपको इसको इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है तो ओके। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को पाई पुट करेंगे सो दैट आई विल गेट दिस वैल्यू, क्या करेंगे इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर टू में क्या था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ओके। तो एक्स स्क्वायर जगह क्या पुट करेंगे, एक्स के जब पाई है तो एक्स स्क्वायर विल बिकम पाई स्क्वायर ओके। और यहाँ पे क्या था, पाई स्क्वायर अपॉन में थ्री था ओके प्लस फोर टाइम्स, यहाँ पे क्या था माइनस वन अपॉन में वन स्क्वायर, यहाँ पे क्या था कॉस एक्स था ओके। तो चूंकि एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, पाई रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉस पाई हो जाएगा। वैसे यहाँ पे वन अपॉन में टू स्क्वायर कॉस टू एक्स था तो दिस विल बिकम कॉस टू पाई हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या था, माइनस वन अपॉन में थ्री स्क्वायर कॉस ऑफ थ्री एक्स था तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थ्री पाई हो जाएगा ओके। हमें पता है कॉस पाई को लेकर होती है माइनस वन होती है, तो माइनस वन यहाँ अपने क्या पॉजिटिव हो जाएगा ओके। यहाँ पे इस वाले वैल्यू को अपन वहां ले गए, उधर शिफ्ट कर ले पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में थ्री, ये हो गया अपना। यहाँ पे क्या रहेगा, फोर टाइम्स माइनस वन अपॉन वन स्क्वायर, ये क्या होगा अपना, वन माइनस वन हो जाएगा ओके। प्लस वन अपॉन में टू स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ये एज इट इज वन रहेगा। यहाँ पे माइनस वन अपॉन में थ्री स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, अगेन माइनस वन होती है ओके प्लस डॉट 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 ओके। अब इसको सॉल्व करिए, विल गेट टू पाई स्क्वायर अपॉन में थ्री ओके। इसको सॉल्व करिए सिंपली, विल गेट दिस रिजल्ट एज टू पाई स्क्वायर अपॉन में थ्री ओके। अब यहाँ पे देखो फोर टाइम्स ये जो है ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको से मल्टीप्लाई कर लो, इसको एज इट इज रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, देखो सारे टर्म अपना क्या पॉजिटिव हो गए ओके। अब देखो आगे करना क्या, इसको उससे कैंसिल करो ओके। तो यहाँ पे पास क्या बचेगा, टू बचेगा, ये टू जब नीचे तो क्या होगा अपना, ये पाई स्क्वायर अपॉन में सिक्स हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर अपॉन में सिक्स इक्वल टू वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, क्या होगा अपना, ये समझना वन अपॉन में एन स्क्वायर। एन मतलब ठीक है, यहाँ पे एन के लिए वन डालो, विल गेट दिस
समेशन मतलब क्या होगा, ये समेशन देखो, और यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू वन डालो तो ये मिलेगा, टू डालो तो ये मिलेगा, थ्री डालो तो ये मिलेगा। बेसिकली वी कैन सी लाइक समेशन ऑफ वन अपॉन नाइन स्क्वायर अपने क्या होगा यहाँ पे, पाई स्क्वायर अपॉन में सिक्स हो जाएगा। तो ये अपने क्या होगा, पहला प्रूफ हो गया। ओके नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे क्या है, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू जीरो, ओके किसमें, इक्वेशन नंबर टू में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे हम क्या किए, एक्स वैल्यू जीरो पुट करें तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जीरो हो जाएगा, दैट इज जीरो इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन में थ्री प्लस फोर टाइम्स यहाँ पे क्या था, माइनस वन अपॉन वन स्क्वायर, ओके इंटू कॉस एक्स। ओके तो एक्स के लिए क्या जीरो है, तो मुझे पता है कि एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो कॉस के लिए क्या होगी, हमेशा वन रहेगी। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा, वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन में थ्री स्क्वायर प्लस माइनस वन वन अपॉन में फोर स्क्वायर माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। ओके तो देखो क्या होगा, इसको अपन वहां पे शिफ्ट करके इसको वहां पे ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में थ्री हो जाएगा। ओके इक्वल्स टू फोर टाइम्स ये जो लिखा उसको यहाँ पे लिख दिए। ओके अब देखो अगले स्टेप हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे तो अपना क्या 12 हो जाएगा। ओके और यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव अपना क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से नेगेटिव बाहर निकालते अपना क्या होगा, यहाँ पे वन अपन वन स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव बाहर निकालते यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन अपन में टू स्क्वायर, ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा, अपना नेगेटिव हो जाएगा। ओके नेगेटिव बाहर निकाल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, पाई स्क्वायर अपन में थ्री, और इस फोर को नीचे लेके आएगा तो अपना क्या होगा, यहाँ पे फाइनली फोर हो जाएगा। तो सेकंड वाला पार्ट देखो अपना क्या होगा, सॉल्व हो चुका है। ओके अब थर्ड वाला पार्ट को अचीव करने के लिए देखो, थर्ड वाले पार्ट में क्या था, दैट इज पाई स्क्वायर अपॉन में एट इक्वल टू क्या होगा अपने यहाँ पे, वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन में थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन पाई स्क्वायर। ओके तो इसको अचीव करने के हम क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा, वन अपॉन वन स्क्वायर, वन अपॉन थ्री स्क्वायर, वन अपॉन फाइव स्क्वायर है, मतलब टू फोर सिक्स जितने इवन नंबर सबके यहाँ पे हटे हुए हैं। अब यहाँ पे एक बार देखो, जो हमको जो पहला रिजल्ट मिला था यहाँ पे, ठीक है वो क्या था, देखो यहाँ पे वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर। वैसे देखो यहाँ पे सेकंड रिजल्ट अपने पास क्या था, यहाँ पे वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, जब इसको मैं इसे ऐड करूँ तो क्या होगा, ये जो स्क्वायर वाला है ना, जितने भी इवन वाला टर्म होंगे सब क्या होगा, आपस में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, वो भी कैसे, डबल डबल। ओके क्योंकि ऐड करने पर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर आएगा। ओके तो यहाँ पे वही हम करने वाले हैं, देखो ओके जो हमारे पास एलएचएस वाला पार्ट था, दैट इज पाई स्क्वायर अपॉन में सिक्स प्लस पाई स्क्वायर अपॉन में ट्वेल्व। देखो यहाँ पे क्या था, पाई स्क्वायर अपॉन में ट्वेल्व, और देखो ऊपर हमने क्या था, पाई स्क्वायर अपॉन में सिक्स, दोनों को अपने यहाँ पे ऐड कर दिए, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, दोनों रिजल्ट को अपने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर दिए, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन पाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ओके अब इसको सॉल्व करें तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर अपॉन में फोर। ओके सिंपल सा एडिशन है, आप इसको सॉल्व करिए, विल गेट दिस एज पाई स्क्वायर अपॉन में फोर, यहाँ पे टू आइस। ओके यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, इसको नीचे लेके आ जाओ, दिस विल बिकम पाई स्क्वायर अपॉन में एट। ओके दिस इज पाई स्क्वायर अपॉन में एट, ये एज इट इज है, दैट इज वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन में थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन में फाइव स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इसको क्या ले सकते हैं, समेशन ऑफ वन अपॉन में टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे एन की वैल्यू को वन डालो, ओके एन की वैल्यू को वन डालो तो दिस इज टू माइनस वन, दैट इज वन का स्क्वायर, दैट इज वन। ओके अब यहाँ पे एन की वैल्यू को टू डालो तो टू इंटू टू क्या फोर हो जाएगा, फोर माइनस वन दैट इज थ्री का स्क्वायर। ओके एन की वैल्यू को थ्री डालो, ठीक है तो थ्री डालने से क्या होगा, टू इंटू टू दैट इज सिक्स, सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव का स्क्वायर। ओके तो फाइनली हम बोल सकते हैं दैट इज वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं, इस फॉर्म ले सकते हैं, एंड दिस इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन एट। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।